आज हम जा रहे हैं महाल कैंप साइट। महाल गुजरात के डांग जिले में बसा एक खूबसूरत छोटा सा गांव है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा यहां एक कैंप साइट भी बनाई गई है। सूरत से यहां तक की दूरी 117 किलोमीटर और आहवा से सिर्फ 30 किलोमीटर है। महल तक जाने का रास्ता भी काफी खूबसूरत है। यहाँ रास्ते में आपको कई वाटरफॉल भी मिलेंगे और पूर्णा नदी का साथ भी। लो, आ गया महल गांव। यहाँ पूर्णा नदी के उस पार ही महल कैंप साइट है, जो कि 3 किलोमीटर अंडर है। कैंप साइट में जाने के लिए आपको खुद की और आपके साथ जो भी वाहन लाए हैं उसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी। फिर चल दीजिए 3 किलोमीटर की राइड पे। और आ गए हम कैंप साइट के अंडर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेट। यहाँ अंदर लकड़ी और बांबू से बने 3 वॉचिंग टावर है। रहने के लिए कॉटेज और ट्री हाउस भी है। एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए यहाँ काफी सुविधाएं भी है। और हाँ, यहाँ कैंटीन और रात को कैंप फायर का मजा भी लिया जा सकता है। कैंप साइट के बगल में ही पूर्णा नदी बहती है। यहाँ का नजारा अमेजिंग है। नदी के उस पार करंजवा टेल है। अब हम वहीं जा रहे हैं। दोस्तों, ये करंजवा ट्रैक है महल कैंप साइट के अंडर। यहाँ से ट्रैकिंग करके हम करंजवा वाटरफॉल तक जाएंगे। यहाँ आने तक का रास्ता भी सामने नदी है, वो हम क्रॉस करके आए हैं। अब यहाँ से चल के वाटरफॉल तक जाएंगे। चलिए। करंजवा टेल का रास्ता हमें काफी मुश्किल लगा। बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे से भरा ये रास्ता और आसपास सिर्फ घना जंगल। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद ये रास्ता डरावना भी लगने लगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी 5-6 लोग थे वो भी पता नहीं कहाँ खो गए। फिर भी हम चले जा रहे हैं, शायद वो लोग आगे मिल जाए। हमें तो करंजवा वाटरफॉल दिखना है। रास्ते में काफी झरने मिले, जिसका मीठा पानी भी हमने पिया। हम काफी चल चुके हैं, लेकिन वाटरफॉल नहीं दिखाई दिया। जबकि कैंटीन से हमें बताया गया था कि वो सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सीधी सी बात है, हम रास्ता भटक चुके थे। हमें पहले ही बताया गया था कि ये जंगल काफी भयानक है और खो जाने का खतरा भी। इसलिए अगर करंजवा वाटरफॉल तक जाना है तो गाइड को लेके जाए। लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी और ओवर कॉन्फिडेंस में अकेले ही चल गए। वजह, खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अच्छी बात ये थी कि हम नेचुरल ट्रेल पे ही चल रहे थे, तो जंगल में भटके नहीं। तो दोस्तों, करंजवा नेचर ट्रेल पे चलते हुए हम शायद 3-1 किलोमीटर चल के यहाँ तक आए हैं। बहुत ही घना जंगल है और हम 3 लोग हैं, हमारे सिवा यहाँ पे कोई है नहीं। यहाँ आगे से रास्ता कोई दिख नहीं रहा है, चारों ओर घना जंगल ही जंगल है। पता नहीं कहाँ जाना है। वाटरफॉल है ऐसा बोला है, दिखाई दे रहा नहीं।
अभी थोड़ा रिस्क लग रहा है, इसलिए हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। वापस लौटते समय फिर से ये नदी पार करनी है। बहाव तेज है तो पैर की पकड़ नहीं रहती, अगर गिर गए तो डूबेंगे तो नहीं लेकिन हड्डियां जरूर टूट जाएगी। दोस्तों अगर महल आए हैं तो लोकल आदिवासी फूड भी जरूर टेस्ट करें। हमने यहाँ बांस की सब्जी और नागली की रोटी का भरपेट भोजन किया, स्वाद बेशक यम्मी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।